आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्म का नियम क्या है। हम उस कर्म की बात कर रहे हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। मैं उस कर्म की बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कर्मा इन हिंदी, कर्म क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कर्म की व्याख्या क्या है। कर्म की व्याख्या करने में जीवन निकल जाता है। गीता के अनुसार जब मनुष्य मैं करता हूँ, हम भी कहते हैं मैंने किया है, जब मनुष्य मैं करता हूँ कहता है तो ऐसा मानता है तो उसके लिए किए गए क्रिया को कर्म कहेंगे। अतएव जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है तभी कर्म बनता है और फिर इसी कर्म का संग्रह होता है जिसे कर्म संग्रह कहते हैं। तो कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर पल मनुष्य कर्म करता है। कर्म जिस काम को करने के पीछे आपका कोई मोटिव हो, कोई उद्देश्य हो, यानी अगर आप किसी काम को सोच समझकर या जानबूझकर करते हैं तो वह काम ही कर्म कहलाता है। फिर अकर्म जिस काम को आप अनजाने में करते हैं, उस काम को करने का आपका कोई उद्देश्य नहीं होता, वह काम अकर्म होता है। किसी भी काम को करने का अगर हमारा इंटेंशन, अगर हमारा इरादा अच्छा हो तो अकर्म अच्छा कर्म कहलाता है, और यदि किसी काम को करने का अगर हमारा इंटेंशन गलत है तो फिर वह काम बुरा कहलाता है। कर्म हम कैसे करेंगे? कर्म हम विचारों के माध्यम से कर सकते हैं, शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, और क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे लोग करते हैं। इसका मतलब है कि वो सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने वह कर्म है। यानी कि हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ करना सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो कर्म की परिभाषा करना कठिन है, तो जो कुछ भी मनुष्य अपने जीवन में करता वह सब कर्म है। अतएव आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया को कर्म कहते हैं, अथवा कर्म के आशय पिछले व्यवहारगत अभ्यास आधारित हमारे उन मानसिक आवेगों से होता है जो हमें उस तरह से आचरण करने, वचन कहने और विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं जिसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे भीतर किसी कार्य को करने की इच्छा जागृत होती है और फिर हम बाध्य होकर उसी कार्य को करने लगते हैं, तो ये कर्म हो गया। अब कर्म पर बहुत सारे विचार लोगों ने व्यक्त किए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम कर्म फल का कारण मत बनो और अपनी प्रवृत्ति कर्म में रखो। जो जो काम दूसरे के अधीन हो उन्हें यत्नपूर्वक छोड़ दें, जो अपने वश में हो उन्हें यत्नपूर्वक पूरा करें। तो कर्म करो और फल की चिंता मत करो, कोई काम चाहे अच्छा हो या बुरा। बुद्धिमान को पहले उसके परिणाम का विचार करके तब काम में हाथ लगाना चाहिए, ऐसा भी लोगों ने कहा है। किसी और ने यह भी कहा है कि आज्ञा के सिवा जो कुछ है वो यदि प्रत्यक्ष और अनुमान से ठीक न जचे तो उसका दूर से ही अनादर कर देना चाहिए। मनुष्य कैसे जीता है? मनुष्य धन द्वारा अधिक जीता है, विद्या से सुखपूर्वक जीता है, शिल्प से थोड़ा जीता है, और बिना कर्म के मनुष्य जीवित ही नहीं रहता है। तो उसी काम का करना ठीक है जिसे करके पश्चाताप करना ना पड़े और जिसके फल का प्रसन्न मन से भोग करे। कर्म सदा हमारे पीछे पीछे चलते हैं। संसार के सारे कर्म इसके पार करने के सेतु है। दिखने में एक कर्म दूसरे से भिन्न है पर उन सब के मिलने से वो सेतु बनता है जो संसार के पार लगाता है। तन और मन दोनों को सदैव सत्कर्म में प्रवृत्त रखो। छोटे से छोटा कर्म भी परमात्मा को अर्पित पुष्प है। तो कर्म ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तो ये कर्म है।
अभी कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह कर्म का एक महत्वपूर्ण नियम है, अगर आप कुछ भी अच्छा करोगे बुरा करोगे तो वैसे ही वापस आपको मिलेगा। सृजन के भी नियम है, विनम्रता के भी नियम है, विकास का भी नियम है, आपकी जिम्मेदारियों के भी नियम है और संबंध का भी नियम है। तो नियम हमें फॉलो करना है। जब किसी चीज पे फोकस करते हैं तो उसके भी अपने नियम होते हैं, और जब कोई परिवर्तन होता है तो उसका भी अपना नियम होता है। धैर्य रखने और उसका जो फल होता है उसके भी अपने नियम होते हैं। जब आपके घर में कोई आतिथ्य आता है तो जब आप कुछ देते हैं या लेते हैं तो उसके भी अपने नियम होते हैं, और आज जो हम वर्तमान में जी रहे हैं उसके भी अपने नियम हैं। जब आपको किसी चीज़ से प्रेरणा मिलती है या किसी को प्रेरणा देते हैं, किसी चीज़ का महत्व जो है उसका भी अपना नियम होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेसर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।